जोर से बोलिए दुर्गा मैया की शनि महादेव की। धन्यवाद। कुमाऊं सांस्कृतिक मंडल सभी पदाधिकारियों को नमस्कार, प्रणाम करनू। आप लोगों को एक आध चुटकुल एक आध कविता सुनून, इन्हें जिन गलती हो आप लोगों ये माफी मांगू। चुटकुल तो बहुत सुन, एक चुटकुल सुनने पा एक बार साथ थे, उनकी बीवी बहुत ज्यादा काली थी। अगर यहाँ कोई मैडम काली है तो बुरा नहीं माने। साहब की बीवी बहुत ज्यादा काली थी, एक दिन उन्होंने लाल साड़ी पहन ली और अपने हस्बैंड से बोली, आज मैं कैसी लग रही हूँ? उनके हस्बैंड ने कहा, ऐसी लग रही हो जैसे कोयले की खान में आग लग गई हो। एक बार एक लड़का था, पहली शादी करी, बीवी माइक को फंस गई, दूसरी शादी करके बीवी को दिल्ली को ला रहा था, तो दिल्ली लाल किले से बदरपुर के लिए 405 नंबर की बस पकड़नी पड़ती है। बस में लिखा था महिलाएं आगे से बैठे, तो उन्हें से अगिल में भेजे, बस में अगिले द्वारा बैठ, अब पिछल में भीड़ है, यह बैठी नहीं सक बहन है गई, उन्होंने साहब चली गई। सब लोगों को चली गई तो बेकूफ तो हो रहा, अभी दूसरी आ जाएगी, उन्होंने साहब यही दूसरी थी, लोगों बस में भी से गुजर गए। तो एक आध कविता तुमको सुनो, एक कविता मेरी बनाए मोबाइल बारे में। जब हम पहाड़ में मोबाइल बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ो, वह मैंने मोबाइल बार में कविता बने। ओहो बाजू भल हरो भल हरो भल हरो, ओहो बाजू भल हरो भल हरो भल हरो, तुम समझता कौतिक मुझ सतनु या फरीदाबाद में, कुमार सांस्कृतिक मंडल में कौतिक हवे तुम मेल हरो, किले की दिल्ली में मैं चल हरो। अब कहने नंबर कर सकनू डायल, न चल ले रहे मोबाइल, अब कहने नंबर कर सकनू डायल, न चल ले गए मोबाइल, गाँव में डर लटका ले रहो, ऊपर मोबाइल का अटका ले रहो, क्या पत्र या का चुभल का सटका ले रहो। आई बात तो नगला अलगा चु स्टाइल, ओ दादी मैं चल ले रहा मोबाइल, मेरे को चला भल भई घर अच्छे, जितना दिन आराम कर ले घर काम कर ले, मकान में लेंटर डाले चु पहली में सिम से, चल बोला बाजू मकान को छोड़ो पहली में तो सिम से, मेरे पास चला दिल्ली के बैग भाव दिखो भाजी के रॉफ, चल करो बाजू 4-5 दिन पहले डाले में टॉप, अमर सुर और वील फरका दी भाता तौल, नन भर चुलते नहीं खेले भगे बॉल, चल करो बाहर निकलो बाजू मेरे को मिस कॉल। मेरे पास चला तुगला मोबाइल भाता के शौक, जाते मोबाइल मोबाइल खोले के सिम का चु लॉक, चल करो बाजू मोबाइल पर लिखाओ फेम, किले की मेल डाले में लाइव फेम, बोलो अगले साल में देखला गो गो में बनी छू मोबाइल टावर, चल बाजिया मोबाइल में पानी छू पावर। एक दूसरा कविता सुनो तुम कहे, दादू बड़ मुश्किल लाई हाल में, बड़ मुश्किल लड़ू आई हाल में, बुढ़ापा अलमर में गुजानी जवानी नैनीताल में, बोलू से है कॉमेन सुन ले डालिंग, नल कर दे ओवर हालिंग, नई साल में बुढ़ापा कौशल में गुजानी जवानी नैनीताल में, अब आंगला कम देख लू आंगला कम सुन लू, बोलू चल गोला बाजू अखबार पढ़ लियो, मेरे से सुनी बाजू को प्यार कर दियो, बोलू चल गोला बाजू अखबार पढ़ लियो, मेरे से सुनी बाजू को प्यार कर दियो, नच गोला बुबू अखबार में अभी ता करो, नच गोला बुबू अखबार में अभी ता करो, मेरे से सुनी बुबू अखबार में तुम्हें बा करो, फंस गई हो मिलन आया डाल में, बुढ़ापा अनमर में गुजानी जवानी नैनीताल में, करु नाचन कोड़े आ बुबू घर में शैम्पू लगनू, करु नाचन कोड़े आ बुबू घर में शैम्पू लगनू, मेल के सुनी आ बुबू घर में लंपू जलनू। ओ अल अलमर में हम आप गाड़ी द्वारा सीधा अपनी फरीदाबाद में, बुढ़ापा कौशाई में गुजानी जवानी नैनीताल में, तो आई मेरे पास चुटकुल कविता बहुत सुन, मैं सुनो तुमको। जब तक हमारे कलाकार चाय पीने ने तो लोग तो हनुमान चालीसा लिखनी, दुर्गा चालीसा लिखनी और हमारी यहाँ कुभद्र गुरजू के लिखनी, तो तुम हनुमान चालीसा शिव चालीसा दुर्गा चालीसा सुनी है ना, मैं ले चालीसा बड़ा दे श्राप चालीसा, सुर सुर जल में बोतल धरी पुर पुर बोतल हरकाई, अनवाए शराब ने कदुका की डाल पड़ा, अरे शराबी तेरी लगन में जागर नि मिल नि डर तू है जस पागल, सही को लवी सारी लगी डाली घामा, ये न पहाड़ मेरा करी है बदनामा,
रोज पीने दीजी तेल पड़ी जोड़ी नवे दिन कटेला सेली पतोड़ी महीने की तनखा दस दिन में साफ तदिन बोतल से तो पौआ हाफ बुबुल बुकाई अब सब पेंशन हम कजी है जो तो बुबुल पेंशन जब लगी जैसे तू खूब दिस गाई बिस्तर खतोनी से नसीब है जिनाई पूजा पाठ मंत्र सब करी खंडित पीर भगी तुम देखो ठूल ठूल पंडित खून बदन में कांकल रोल कोई एक पहु मजी बंजन बोल अक्षय फजू के लगनी समालिस पचन बे बोतल हजे बी सौ चालीस लेबल पीला थकन मिटोनी डबल मिले बिर बोतल मगोनी ड्राइवर दाजू बड़े दिन रेस इक पीवे गाड़ी देखो है जैसे तेज मसान होता है कजर कछुआ बोतल से सौ कम हज पौआ हट 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 तू बोतल दवाई कदू कद पी ले जान गवाई दो यो पर सर भी चलीसा नौकरी नहीं मिले लुक बूट पलीसा खाली दारू नी पे नंदा का मिंसू ज्ञान तीन पतता सही हृदय बसो मेर फूक जाओ भगति ने रक्षित यू तब राती है कि तेरा आंगला लो लालो ईजा बाबू से कर बिनती तब छोड़ी दियो दिल दी दिन चारो ओ नहीं जानत है तिले केस में ठहरी डबल ढाई हजारो फुल चलो न चलो श्रेणी तेरी चल देख चल मैं तो पधारो कदू का आयन कदू का शयन सारा बखान कर स्वर्ग सिधारो हाथ जोड़ो तो खोट पड़ो तो आने भटको तो छोड़ दो यारो तो ये कविता और सुनाई ने तुमके सुनो हो दाजू आजकल लोडू हाल सुनो हो दाजू आजकल लोडू हाल कानू में बाई ना खोट पर रुमाल आंखों में कसमी ना धोनी जबाल सुनो हो दाजू आजकल लोडू हाल जब ताले प्यानी हुन तब ताला कोनी हमें बाजू हमें ईज जहाँ पर ब्याह जाचो पड़े ही नजर न गीज यह कलयुग औलाद भरता है के निकम्मी सौर है पापा कोनी सासे मम्मी बाहर पूरा सासौर मेर सामी के बेचनी आपू खनी मटर पनीर उन्हें दीजिए आल खेचनी उन्हें दीजिए जौ पकोनी आपू खनी भात और दाल स्लोहो दाजी आजकल लोडो हाल घर रसोई छोड़ देर खाए जानी होटल में जान जान नंचनू ले ध्यान न हो बोतल में 18 साल उम्र में इनर चिमोरी की गाल स्लोहो दाजी आजकल लोडो हाल दिन क्या करिए बड़बड़ी आपस में प्यार है जरो दिन क्या करिए बड़बड़ी आपस में प्यार है जरो सन है क्या करी हया इस बजे बे न्यार है जानो अब बरात थोड़ी होने बरात हो गए चुन मेल है जानो वनडे में बरात होने हाफ डे में चल है जानो तो एक नंदन चुटकुला सुने दिनों तुम गए एक बार स्कूल में बहन जी ने पूछा बच्चों सबसे पौष्टिक दूध किसका होता है स्कूल में बहन जी ने पूछा बच्चों सबसे पौष्टिक दूध किसका होता है एक बच्चे ने कहा गाय का होता है एक ने कहा भैंस का होता है एक ने कहा बकरी का होता है मेरा लड़का भी खड़ा हुआ उसने कहा बहन जी ये सब झूठ बोल रहे हैं सबसे पौष्टिक दूध मम्मी का होता है बहन जी को कैसे होता है ये चल बोला उसको गर्म भी नहीं करना पड़ता है वो फटता भी नहीं है उसको फ्रिज में भी नहीं रखना पड़ता है सबसे मेन बात है उसको बिजली भी नहीं खा सकता